सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कॉन्टेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो वीडियो दिया गया था उसमें आपको इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के साथ साथ जो है ना प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। उन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को जो है ना पहले आप देखिए। उन सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आई बटन में आपको यहाँ से भी आप उन सभी वीडियो को जो है देख सकते हैं। और उन सभी वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, जिसे लोग हिंदी में कहते क्या हैं, तो गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण। बात समझ आ रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जनन परत बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और वो बन करके किस किस अंगों को विकसित कराते हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको जो है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और जो है समझते रहिए। तो देखिए, हम बताते हैं, यह ध्यान देंगे, ब्लास्टोसिस जब क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में क्या करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के अंत में क्या होती है, तो तीन जो है ना क्या करता है, तो जनन परतों का निर्माण करता है। बात समझ आ रही है? फिर से हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ लेंगे यहाँ पर कि जब ब्लास्टोसिस किस अवस्था में, तो गैस्ट्रुलेशन की जो है क्रिया में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के अंत में क्या होती है, तीन जनन परतों का निर्माण होता है। बात समझ आ रही है? और उन तीनों परतों को हम क्या किए हैं, तो नीचे जो है ना दिखाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक एक करके यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है क्या है, ध्यान देंगे, इंडोडर्म। सेकेंड क्या है, मेसोडर्म। थर्ड क्या है, तो इक्टोडर्म। बस यार, ये तीन जनन परत हैं और ये तीन जनन परत ही क्या करते हैं, विकसित करते हैं, और विकसित करने के बाद जीवों के शरीर के, आप कह सकते हैं कि फिटस के अंदर जो है ना विकास कर रहे संतानों के शरीर के विभिन्न अंगों को विकास कराते हैं या विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनन परत कौन कौन अंगों को विकसित कराते हैं, किन किन अंगों को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, जरा फर्स्ट क्या है, तो आपको अभी भी बताया गया क्या है, तो इंडोडर्म। ध्यान देंगे, हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट क्या है, इंडोडर्म, ध्यान रहे। यहाँ पर जहाँ समझना कि इंडोडर्म क्या है और एक किस प्रकार होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान रहे। भ्रूण के, किसके, तो भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर सेल मास, बताया गया। फिर से हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि भ्रूण के जो है आंतरिक कोशिका समूह की कुछ कोशिकाएं क्या करती है, अलग होकर के ब्लास्टोसिल में जो है ना विस्तारित हो जाती है। ठीक है, और एक क्या करती है, तो परत का निर्माण करती है, तो उस परत को ही किस नाम से जानते हैं, तो एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर फिगर आपको तो बनाया नहीं गया है, लेकिन इस फिगर को हम प्रोजेक्टर जब चलाएंगे तो दिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर तब तक इसको समझ लीजिए, जब प्रोजेक्टर चलाएंगे तो पूरी तरह से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आगे, और हाँ आगे ध्यान देंगे, हाँ तो और आगे ध्यान देंगे क्या कहते हैं, तो बता दिया गया, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडोडर्म क्या होती है, तो बताया गया कि इंडोडर्म जो होता है भ्रूण का सबसे आंतरिक परत माना जाता है। किसका आंतरिक परत माना जाता है, तो भ्रूण का आंतरिक सबसे भीतरी परत या आंतरिक परत कौन माना जाता है, तो इंडोडर्म माना जाता है। बात समझ आ रही है? इसकी कोशिकाएं जो होती है, किसकी कोशिकाएं, इंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती है वो किसको निर्माण करती है, तो ध्यान देंगे आहार नली को क्या करती है, निर्माण करती है या बनाती है। बात समझ आ रही है? जो बाद में क्या होती है, परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होकर के क्या करती है, पाचन तंत्र जो है ना, श्वसन तंत्र, मूत्राशय के साथ साथ क्या करती है, तो कर्ण के यानी कान के जो है मध्य भागों को निर्माण करती है।
बात समझ में आ गई, ध्यान रहे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो है क्या होती हैं, तो इंडोडर्म जो होती हैं भ्रूण के जो है ना कौन सा जो है परत माना जाता है, तो आपको बताना होगा जो है भ्रूण का सबसे आंतरिक परत मानी जाती है और ये विकसित करती है और विकसित करने के बाद क्या बनाती है, तो ध्यान देंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्राशय और साथ साथ जो है क्या करती है, तो कर्ण के मध्यभागों को विकसित कराती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो है सेकेंड क्या है, तो मेसोडर्म, ठीक है। इसे हिंदी में भी मेसोडर्म, इंग्लिश में भी मेसोडर्म आप कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या, व्रोनिक पिंड की, किसकी, व्रोनिक पिंड की जो है पूछिए भाग, कौन सी भाग, पूछिए भाग की जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या करती है, जो है ना विकसित होकर के या विभाजित होकर के क्या करती है, तो पिंड से जो है अलग हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ क्या करती है, तो स्थानीय जो है ना हिस्सा को, ठीक है, ध्यान देंगे स्थानीय हिस्सा को वो क्या करती है, मोटा बना देती है। बस में आ रही है किस भाग को, तो स्थानीय भाग को क्या कर देती है, मोटा बना देती है, जो आगे चल करके क्या करती है, एक परत बनाती है। तो उस परत को ही किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेसोडर्म किसे कहते हैं, तो बताया गया, पुनः एक बार रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो व्रोनिक पिंड होती है उसकी जो क्या होती है, पूछिए भाग की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, विभाजित होती है, और विभाजित होकर के पिंड से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग होने के साथ साथ क्या करती है, स्थानीय हिस्सा को जो है मोटा बना देती है, जो आगे चल करके, ठीक है, एक परत बनाती है। उस परत को ही किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताया गया मेसोडर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रहे मेसोडर्म की जो कोशिका होती है वो क्या बनाती है या क्या निर्माण करती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। ध्यान देंगे मेसोडर्म की जो कोशिका होती है वो हृदय, रक्तवाहिनियाँ, मांसपेशियाँ, किडनी के साथ साथ क्या करती है, तो जनन अंगों को जो है निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं हृदय, रक्तवाहिनियाँ, मांसपेशियाँ, किडनी और साथ साथ जनन अंगों का निर्माण जो है ना किस जनन परतों द्वारा होती है, तो आपको आंसर के रूप में देना होगा मेसोडर्म की कोशिकाओं द्वारा होती है। बात समझ आ रही है, किसकी कोशिकाओं द्वारा होती है, तो मेसोडर्म की कोशिकाओं द्वारा होती है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो फर्स्ट आपको क्लियर कर दिएगा, सेकेंड क्लियर कर दिएगा, थर्ड हम आपको बता रहे हैं थर्ड जर्म लेयर के बारे में, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे थर्ड के बारे में हम आपको बताते हैं, थर्ड को हम लोग जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्टोडर्म क्या होती है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे व्रण की जो है व्रणिक पिंड की जो बची हुई कोशिकाएँ होती हैं वो आपस में व्यवस्थित होकर के क्या होकर के, व्यवस्थित होकर के एक परत को निर्माण करती है, क्या करती है, एक परत को निर्माण करती है। तो उस परत को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो है एक्टोडर्म की जो कोशिकाएं होती है वो किसको निर्माण करती है, किसको विकसित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो ध्यान देंगे त्वचा को निर्माण करती है, मस्तिष्क को निर्माण करती है, मेरुरज्जु को निर्माण करती है और साथ ही साथ तंत्रिका कोशिका को भी निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसकी कोशिकाएं, तो एक्टोडर्म की कोशिकाएं। बात समझ में आ गई। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और साथ ही साथ जो है ना और साथ ही साथ क्या, तो तंत्रिका कोशिका जो है किस जनन परतों के द्वारा बनता है, तो आपको आंसर के रूप में देना होगा कि एक्टोडर्म की कोशिकाओं से ये बनती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चलिए। का नाम है क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर स्टेम सेल, जिसे हम लोग हिंदी में स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देंगे स्टेम कोशिका किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंतरिक कोशिका समूह में, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर सेल मास में जो है कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं होती है। उस विशेष प्रकार की कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्टेम सेल या स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, जो क्या करती है, तो ध्यान देंगे सभी जो है उत्कों के साथ साथ अंगों को जो है निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं स्टेम सेल किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा आंतरिक कोशिका के समूह में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकाएँ पाई जाती है। उस कोशिकाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, जो क्या करती है विभिन्न प्रकार के या सभी प्रकार के आप कह सकते हैं उत्तक के साथ साथ अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कोई दिक्कत,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ह्यूमन प्रेगनेंसी, जिसे लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रहे मनुष्य का गर्भ है। क्या? तो मनुष्य का गर्भ है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मनुष्य का गर्भ क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान रहे। हाँ, थोड़ा सा हम आपको इसको समझाने से पहले विशेष जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जो क्या होते हैं, जब मैथुन की क्रिया की जाती है तो उस स्थिति में क्या होती है, पुरुषों के जो है ना जनन अंगों से स्त्री जनन अंगों में शुक्राणु प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद अंडाणुओं के साथ संयोग करती है, संयोग करने के बाद जो है जायगोट का निर्माण करती है और वो जायगोट धीरे धीरे विकसित करते करते क्या होती है, तो भ्रूण का रूप ले लेती है और भ्रूण विकसित करते करते संतान का विकास कराता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वही जो है मनुष्य का जो गर्भ है वो किस प्रकार विकसित करता है, उसमें कौन कौन सी जो है ना एबिलिटी होती है और वो किस प्रकार कैसे जो है ना अंगों को विकसित कराता है, ठीक है, कितना समय लेता है, उस सभी टॉपिकों के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं जो है ना टॉपिक के अंतर्गत। तो आपको ध्यानपूर्वक इसको सुन लेना और समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मनुष्य के अगर हम गर्भ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो मनुष्य का गर्भ होता है वो लगभग कितने मंथ में, तो 9 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अगर उसको हम सप्ताह के रूप में बोलना चाहें तो आपको बताना होगा 40 सप्ताह में, अगर कोई दिन में पूछता है तो आपको बताना होगा लगभग 272 दिन, और घंटा मिनट आप सेकेंड अपने से जो है काउंट करके और जो है ना उसको मैनेज करके निकाल सकते हैं। आगे चलिए, तो आपको बताया गया कि मनुष्य का जो गर्भ होता है 9 महीने का, नहीं तो फिर आप सप्ताह में तो 40 सप्ताह और नहीं तो दिन में तो आप बता सकते 272 दिन का होता है। ध्यान रहे, और गर्भ में क्या होते हैं, प्रत्येक माह जो है क्या होती है, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहती है और उस परिवर्तन को हम एक एक करके बता रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ध्यान देंगे, जब क्या होगा कि मनुष्य का गर्भ जो है 9 मंथ में विकास करेगा, तो उन 9 मंथों में कौन कौन सी क्रियाएँ होगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए और यहाँ पर सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए, पहला मंथ यानी प्रथम माह के अंत में क्या होगा, जो गर्भ के अंदर शिशु विकास कर रहा है उसका जो है क्या बनेगा, हृदय का निर्माण होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो है प्रथम माह के अंत में शिशु का क्या निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है, हृदय बनता है। दूसरे मंथ की अगर हम अंत में बात कर लेते हैं तो पाद यानी पैर बनते हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, उंगलियाँ विकसित कर जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे मंथ की हम बात कर लेते हैं, तीसरे मंथ के अंत में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होती है, मुख अंग जैसे क्या पाचन तंत्र और क्या श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है यानी विकास हो जाती है। तीसरे मंथ में क्या हो जाता है, मुख जो अंग होते हैं वो बन जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र बताया गया, श्वसन तंत्र बताया गया, परिवहन तंत्र बताया गया, उत्सर्जन तंत्र बताया गया, इन सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। अगर हम 5वें मंथ के अंत में बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होती है, बच्चा जो होता है वो गतिशील हो जाता है यानी गति करने लगता है, बच्चा में जो है गतिशीलता आ जाती है यानी गति वो करने लगता है यानी जाना मूव करने लगता है। दूसरी बात कि जो सिर होते हैं, सिर पर क्या हो जाते हैं, बाल उगने लगते हैं, बात समझ आ रही है, धीरे धीरे जो है कितने मंथ में, तो 5वें मंथ में बच्चों के सर पर क्या हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं या बाल उगने लगते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान देंगे, 6ठे मंथ है या आप कह सकते हैं 24वें सप्ताह के अंत में क्या होती है, शरीर पर कोमल क्या हो जाते हैं, बच्चे के जो है शरीर पर कोमल बाल के साथ साथ क्या हो जाती है, तो आँखों की जो है पलकें अलग अलग हो जाती हैं, आँख के जो पलक होते हैं सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ ब्रौनिया जो होती है ये भी क्या हो जाती है, बन जाती है, ब्रौनिया जो होती है ये भी क्या हो जाएंगे, तो किस मंथ में, तो 6ठे मंथ के जो है अंत में बन जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, चलिए उसका लास्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 मंथ में, ठीक है, 9 मंथ में क्या होती है, तो ध्यान देंगे 9 मंथ में क्या होगा, पूर्ण रूप से जो है एक संपूर्ण गर्भ का निर्माण होता है या विकास हो जाता है, बात समझ आ रही है, जो प्रसव करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है यानी पूर्ण रूप से वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है, यानी वो प्रसव करने योग्य बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिटस वेट चार्ट पर मंथ, यानी इसे हम लोग हिंदी में जो है ना क्या अध्ययन करते हैं या इससे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रति माह भ्रूण का जो है वजन चार्ट, बात समझ आ रही है, तो प्रति माह जो है भ्रूण का वजन चार्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। आपको बताया गया कि भ्रूण का जो है, मानव का भ्रूण जो है कितने मंथ में, तो 9 मंथ में पूर्ण रूप से विकास होता है, तो उस 9 मंथ में जो है ना किस प्रकार वजन उसका होता है, किस प्रकार वजन बढ़ता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिए गए, सीरियल नंबर, मंथ और वेट। तो देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है, कितने मंथ यहाँ पर है वो दिया हुआ है और यहाँ पर उसका वजन दिया हुआ है कि कितने मंथ में कितने वजन रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट में बात कर लेते हैं पहले मंथ को लेकर के, तो पहले मंथ में क्या होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, ठीक है,
उसका जो वजन होती है वो लगभग 1 ग्राम से भी कम होता है। बात क्लियर हो गई। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे मंथ की बात कर लेते हैं तो उसका वजन लगभग 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, किसका, तो भ्रूण का। तीसरे मंथ में अगर हम भ्रूण के वजन की बात कर लेते हैं तो लगभग कितने ग्राम का हो जाएगा, तो 14 ग्राम का हो जाएगा। हाँ, अगर हम चौथे मंथ के भ्रूण के वजन की अगर बात करें तो कितने ग्राम का हो जाएगा, तो 100 ग्राम का हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पाँचवें मंथ में अगर बात करते हैं भ्रूण का वजन, तो लगभग कितना ग्राम हो जाएगा, तो 300 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 6 मंथ की बात कर लेते हैं तो 6 मंथ में क्या होगा, भ्रूण का जो वजन हो जाएगा वो लगभग 600 ग्राम के आसपास हो जाएगा, जो है ना। उसी प्रकार से अगर 7 मंथ की हम बात कर लेते हैं तो 7 मंथ में जो भ्रूण का वजन जो हो जाएगा वो लगभग 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी 1 kg हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं भ्रूण का वजन 1 kg कितने मंथ में होता है, तो आपको बताना होगा 7 मंथ में होती है। उसी प्रकार से ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हैं जो पहले बता दिया गया। ये अगर हम 8 मंथ की बात कर लेते हैं तो 8 मंथ में क्या हो जाएगा, तो उस भ्रूण का जो है वजन लगभग 1700 ग्राम के आसपास हो जाता है, यानी लगभग कितना केजी, तो 1.7 kg हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 9 मंथ की बात कर लेते हैं तो 9 मंथ में क्या हो जाता है, जो भ्रूण का वजन होती है वो लगभग 3300 ग्राम के आसपास हो जाती है, यानी लगभग कितना केजी, तो 3.3 kg के आसपास हो जाती है। बात क्लियर हो गई। आपको बताया गया किसको लेकर के, आपको अभी भी बताया गया किसके बारे में, तो प्रतिमा भ्रूण वजन चार्ट के बारे में आपको जानकारी दिया गया कि कितने मंथ में जो है कितने भ्रूण का वजन होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के समझ चुके होंगे। उसी प्रकार से जो है ध्यान देंगे, और भी आगे टॉपिक है जिसका नाम क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन, जिसे लोग हिंदी में प्रसव के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे प्रसव किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर बात आ जाती है संघभता। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के अंत में, यानी 9 मंथों के अंत में क्या होती है, शिशु को, ठीक है, गर्भ से जो है ना, मंथ में शिशु को जो है गर्भ से बाहर आने की जो है क्रिया ही क्या मानी जाती है, प्रसव कहलाता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझेंगे कि जो है ना संतान को विकास करने में, पूर्ण रूप से विकास करने में कितने मंथ का समय लगता है, 9 मंथ का समय लगता है। और जब 9 मंथ में जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो जो है वो क्या, भ्रूण जो है पूर्ण रूप से, ठीक है ना, वो क्या होता है, तो स्त्री जननांगों से बाहर निकलता है। तो जिस समय बाहर निकलता है, हाँ, जिस समय वो बाहर निकलता है तो बाहर जो है ना भ्रूण निकलने की प्रक्रिया ही प्रसव के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे पार्चुरेशन किसे कहते हैं, आपको यहाँ तक बता दिया गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। या मैं एक और डिफिनेशन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। जैसे कि देखेंगे पार्चुरेशन, पुनः हम एक बार रिपीट करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा छोटा लैंग्वेज है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़ा लैंग्वेज है, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, याद कर सकते हैं। तो देखिए प्रसव किसे कहते हैं, समझेंगे। यहाँ पर बताया गया कि गर्भ, जब गर्भ, ठीक है, कितने मंथ में पूर्ण रूप से, तो 9 मंथ में पूर्ण रूप से क्या कर जाता है, विकसित कर जाता है, यानी विकसित हो जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं, जब गर्भ, हाँ, इसको हम एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए। जब गर्भ 9 माह में क्या होती है, पूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है, तो पूर्ण विकसित होने के बाद क्या होती है, पूर्ण विकसित होने के जो हो जाता है, जिसके पश्चात क्या होती है, ऑक्सीटोसिन, ध्यान देंगे, ऑक्सीटोसिन नामक क्या होती है, हार्मोन स्रावित होती है। क्या होती है, ऑक्सीटोसिन नामक जो है हार्मोन स्रावित होती है, जिससे क्या होती है, जो गर्भाशय की जो पेशी होती है, ठीक है, वो गर्भाशय की पेशी संकुचित हो जाती है, या संकुचित होकर के क्या करती है, फैल जाता है। बात समझ आ रही है। तो जब जाना गर्भाशय की जो है पेशी क्या हो जाएगा, संकुचित होकर के फैलेगा, तो फैलने के बाद क्या होगा, शिशु जो है जनन मार्गों द्वारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे जो है ना स्त्री जनन अंगों से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को ही हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। आपको पूरा मोटा मोटी जहर मिला करके समझ लेना है कि प्रसव में क्या होगा, स्त्री जननांगों के अंदर जो संतान विकास कर रहे होते हैं, जो पूर्ण रूप से विकास कर गए, वो स्त्री जननांगों से बाहर आ जाते हैं, तो उस क्रिया को ही प्रसव के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल और ज़्यादा आसान लैंग्वेज था, तो जो आपको अच्छा लगे याद कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, तो प्रसव आपको बता दिया गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नोट में ध्यान रखना है, प्रसव के समय जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ, ध्यान देंगे, प्रसव के समय क्या होती है, अपरा जो होती है, जिसको लोग प्लेसेंटा कहते हैं, वो भी क्या होता है, बाहर आ जाता है, स्त्री जननांगों से वो भी साथ में प्रसव के समय बाहर आ जाती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो है नोट है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होती है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, बताया गया था अभी, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के बारे में जिक्र किया गया था,
तो ये जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होती है, तो पीस ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि से ही स्रावित क्या होती है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। विशेष जानकारी के लिए हम बता दें कि ऑक्सीटोसिन कृत्रिम तरीकों से भी प्रसव के समय डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे हम पहले भी क्लास में इसके बारे में जिक्र किए होंगे। हाँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो पता हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है जो है लैक्टेशन। क्या है तो लैक्टेशन क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसे हम लोग हिंदी में दूध स्राव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना दूध स्राव क्या होती है, तो ध्यान देंगे इसको हम समझाते हैं। संभवता के दौरान क्या होती है, जो है स्त्री के जनन ग्रंथियों में क्या होते हैं, कई प्रकार के बदलाव आते हैं। बात समझ आ रही है, क्या होती है, ध्यान देंगे या हाँ पुनः इसको हम एक बार रिपीट करते समझेंगे। जो है ना संभवता के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है, स्त्री के जो है जनन ग्रंथियों में, किस में, तो जनन ग्रंथियों में क्या होती है, कई प्रकार के क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, ठीक है, या बदलाव आते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जब जनन ग्रंथियों में क्या होती है, बदलाव आती है, तो बदलाव आने के बाद क्या होती है, जब शिशु विकास करता है, यानी विकास करने के अंत तक की अगर हम बात कर लेते हैं, इससे क्या होती है, ठीक है ना, दूध उत्पन्न होने लगता है। स्त्रियों से क्या होने लगती है, दूध उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग दूध श्रवण के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा और भी हम बोल चाल के भाषा में समझा देते हैं और आसान लैंग्वेज में आपको हम बता देते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझिए। संभवता के दौरान क्या होती है, या आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है, स्त्री के जो है क्या होते हैं, तो जनन ग्रंथियाँ होती है, उन ग्रंथियों में जो है क्या होती है, अनेक प्रकार के बदलाव होती है, और उस बदलाव के जो है ना फलस्वरूप क्या होती है, जैसे संतान विकास करता है, तो संतान विकास करने के जो है अंत तक क्या हो जाती है, उस स्त्रियों के जो है स्तन से क्या होने लगते हैं, तो दूध जो है ना उत्पन्न होने लगते हैं या स्राव होने लगते हैं। तो इस पूरे क्रिया को ही हम लोग दूध श्रवण के नाम से जानते हैं। तो जो आपको आसान लैंग्वेज लगे उस डिफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलिए। ध्यान देंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको इसमें जानकारियाँ दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। क्या होती है, एक विशेष जानकारी के लिए बता रहे हैं, ध्यान देंगे, माँ के स्तन से जो है स्रावित होने वाले क्या, सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले गाढ़े पीले रंग का दूध जो होता है वो नवजात शिशु को क्या करनी चाहिए, पिलाना चाहिए। बात समझ आ रही है, पीना जाना, फिर से हम इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे। आपको बताया गया कि जो माँ के जो स्तन से जो है जो स्रावित होता है, सर्वप्रथम जो पीले जो है ना, सर्वप्रथम जो क्या होता है, पीले गाढ़े रंग का जो दूध, ध्यान देंगे इसको हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं, समझ लेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। माँ के स्तन से क्या होती है, स्रावित होने वाले क्या, सर्वप्रथम गाढ़े पीले रंग का जो दूध होता है वो नवजात शिशु को क्या करनी चाहिए, पिलानी चाहिए। और क्यों पिलानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी सुन लीजिए और समझिए। क्योंकि उस जो है पीले जो है ना गाढ़े दूध में क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे, अनेक प्रकार के जो है एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ, जो क्या करता है, शिशुओं को जो है रोग प्रतिरोधी जो है क्षमता को बनाए रखता है, जिससे क्या होती है कि जो शिशु होते हैं वो विभिन्न रोगों से क्या होते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं या विभिन्न रोगों से बचे रहते हैं। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब क्या होगा कि जब जो है किसी स्त्रियों के जो है स्तन से जो सर्वप्रथम पीले गाढ़े रंग के दूध स्राव होंगे, उसको अगर संतानों को पिलाया जाए, तो निश्चित है कि उस संतान के अंदर या उस शिशु में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता बना रहेगा, क्योंकि उस दूध में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, वो बच्चा लंबे समय तक निरोग रहता है, यानी रोगों से बचा रहता है। आगे चलते हैं, लास्ट में जो है नोट है, ध्यान देंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे। माँ के जो है ना स्तन से क्या होते हैं, जैसे कुछ दिन तक क्या होता है, दूध का स्राव होता है, ठीक है, तो उस दूध को जो है किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो क्लोस्ट्रॉम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लोस्ट्रॉम किस नाम से जानते हैं, तो क्लोस्ट्रॉम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया गया, और इस चैप्टर आपका जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लेकर के आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि अब जो है ना अगला वीडियो जो आएगा, उस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस जो है चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो MCQ है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो IIC के साथ साथ आपको NEET में और ऑल इंडिया मेडिकल में भी आपको काम आएगा। तो कुछ जो है ना क्वेश्चनों को हम कैप्चर करेंगे, क्योंकि जो है ना वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो है ना MCQ जो है क्वेश्चन को तो कैप्चर करना काफ़ी कठिन होगा, लेकिन तो भी हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम आपको जो है ना
कैप्चर करके दें ताकि आप भी बहुत कुछ सीख सकें। और उसके बाद जैसे क्लास खुलेगा तो एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे और बताए भी जाएंगे, जिसमें कि लेवल आपका जो है ना आईएएस से लेकर के मेडिकल लेवल का होगा। और उसके बाद फिर हम जो है जैसे एमसीक्यू खत्म होता है उसका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, अगर इस चैप्टर का कोई भी आपको वीडियो मिस हुआ है तो इस चैनल पर आपको जो है ना इस चैप्टर का जो है ना एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है ना खत्म करने के बाद भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दी जाएगी। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।